सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से मकर, मेष, मिथुन, धनु और कर्क संक्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु किन्हीं राज्यों में कन्या, तुला और मीन राशि को भी महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं कि तुला राशि संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। 18 अक्टूबर बुधवार को तुला संक्रांति होगी। सूर्य करीब दोपहर 1:18 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य में तुला का प्रभाव, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच के होते हैं, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सौर्य मास के दो हिस्से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है, इसी बीच तुला संक्रांति होती है। शुभ मुहूर्त अमृत काल सुबह 10:24 से 12:02 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:14 से 6:38 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:33 से 9:01 तक। अमृत सिद्ध योग सुबह 6:33 से 9:01 तक। रवि योग सुबह 6:33 से 9:01 तक। तुला संक्रांति का महत्व, तुला संक्रांति का कर्नाटक में खास महत्व माना जाता है, वहां इसे तुला संक्रमण कहा जाता है। इस दिन तीर्थोद्व व तीर्थाद्व के नाम से कावेरी के तट पर मेला लगता है, जहां स्नान और दान पुण्य किया जाता है। इस तुला माह में कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। तुला संक्रांति का संबंध कृषि, प्राकृत और ऋतु परिवर्तन से होता है। तुला संक्रांति के दिन नदी स्नान और पितृ तर्पण भी किया जाता है। तुला संक्रांति के दिन पूजा करने के बाद गुड़ तिल का प्रसाद बांटा जाता है। पूर्णिमा, चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष जैसे व्रत की तरह संक्रांति के दिन की भी बहुत मान्यता होती है।